गुड मॉर्निंग माई ऑल लवली स्टूडेंट्स ऑफ क्लास फोर्थ, आई होप यू ऑल आर फाइन. स्टूडेंट्स, साइंस में हम चैप्टर नंबर 1 प्लांट्स फूड प्रोड्यूसर की स्टडी कर रहे थे, जिसमें हमने यहाँ तक स्टडी कर लिया था. अब इसमें आगे स्टडी करेंगे. सो नाउ लेट्स स्टार्ट. हेडिंग है फोटोसिंथेसिस इन कैक्टस. कैक्टस में फोटोसिंथेसिस की क्रिया कैसे होती है, इसके बारे में हम इसमें पढ़ेंगे. कैक्टस आर डिजर्ट प्लांट्स. कैक्टस क्या है? एक डिजर्ट प्लांट है, रेगिस्तान में उगने वाला पौधा है. तो इन ऑर्डर टू ओवरकम द स्कैरसिटी ऑफ वाटर, दे स्टोर वाटर इन द म्यूसिलेस सेल्स ऑफ देयर स्टेम्स. क्या होता है, पानी की जो कमी होती है, क्योंकि डिजर्ट है वहाँ इन्हें पानी नहीं मिलता, तो पानी की कमी को ये पूरी करने के लिए क्या करते हैं, वाटर को अपनी स्टेम्स में, अपने तनों में उपस्थित, इनके तनों में म्यूसिलेज सेल्स होती हैं, उनमें ये वाटर को स्टोर करके रख लेते हैं, जिससे कि जब पानी की कमी होती है तो वो पूरी होती रहती है. टू चेक द लॉस ऑफ वाटर थ्रू ट्रांसपीरेशन, देयर लीव्स आर रिड्यूस्ड टू स्पाइन. ट्रांसपीरेशन के थ्रू ये पानी की कमी को चेक करने के लिए क्या करते हैं, इनकी जो लीव्स हैं वो इन उन पर कांटे होने लगते हैं, और इनकी लीव्स क्या होती हैं, कम हो जाने लगती हैं और उन पर कांटे उगने लग जाते हैं. देयर स्टेम्स आर फ्लैट एंड ग्रीन एंड परफॉर्म द फंक्शन ऑफ फूड मैन्युफैक्चरिंग बाई द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस. इनके जो तने होते हैं वो क्या होते हैं, चपटे होते हैं और हरे रंग के होते हैं, जो कि फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस में के द्वारा इनको खाना बनाने के लिए हेल्प करते हैं, खाना बनाने का कार्य करते हैं. क्या? इनके जो ग्रीन स्टेम्स होते हैं वो. अब है इम्पोर्टेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस. फोटोसिंथेसिस की क्या इम्पोर्टेंस है, क्या महत्व है फोटोसिंथेसिस के. फोटोसिंथेसिस इज वेरी इंपॉर्टेंट प्रोसेस बिकॉज ऑफ द फॉलोइंग रीजंस. फोटोसिंथेसिस निम्नलिखित कारणों से बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण क्रिया है. फर्स्ट है सोर्स ऑफ एनर्जी. फोटोसिंथेसिस क्या है, एक सोर्स ऑफ एनर्जी है. इससे हमें एनर्जी मिलती है. किसको मिलती है, प्लांट्स को. वन ऑफ द प्रोडक्ट्स ऑफ फोटोसिंथेसिस, ग्लूकोज इज द सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म. फोटोसिंथेसिस का केवल एक ही प्रोडक्ट, फोटोसिंथेसिस में जो प्रोडक्ट बनता है उसका केवल एक ही प्रोडक्ट, जैसे ग्लूकोज जो है, वो सभी जीवित जीवों के लिए सोर्स ऑफ एनर्जी है, मतलब एनर्जी का स्रोत है. केवल ग्लूकोज ही सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म को क्या कराता है, एनर्जी प्रोवाइड करता है, उसे सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म को एनर्जी देता है. प्रोडक्शन ऑफ फूड. फूड का प्रोडक्शन, मतलब प्लांट्स जो होते हैं वो अपने फूड को किसके द्वारा बनाते हैं, फोटोसिंथेसिस के द्वारा. ऑन द अर्थ ओनली प्लांट आर कैपेबल ऑफ प्रोड्यूसिंग फूड विच इज़ डायरेक्टली और इनडायरेक्टली कंज्यूम्ड बाय ऑल एनिमल्स एंड ह्यूमन बीइंग्स. अर्थ पर केवल प्लांट्स ही ऐसी क्षमता रखते हैं जो अपना भोजन स्वयं प्रोड्यूस करते हैं, खुद ही बनाते हैं. किसके द्वारा, सूर्य के प्रकाश के द्वारा, फोटोसिंथेसिस की क्रिया के द्वारा. और जिन पर सभी एनिमल्स और ह्यूमन बीइंग्स, जितने भी जीवित जीव हैं और एनिमल्स हैं, वो उन पर क्या करते हैं, कंज्यूम करते हैं, उनसे अपना भोजन प्राप्त करते हैं. तो ये दोनों सोर्स ऑफ एनर्जी एंड प्रोडक्शन ऑफ फूड. अगर ये सोर्स ऑफ एनर्जी में भी हमें फोटोसिंथेसिस की आवश्यकता होती है,
फोटोसिंथेसिस से ही हमें ग्लूकोज प्राप्त होता है और उससे ही हमें एनर्जी प्राप्त होती है, प्लांट्स को एनर्जी प्राप्त होती है। प्रोडक्शन ऑफ फूड, फूड का प्रोडक्शन करने के लिए भी प्लांट्स को किसकी ज़रूरत होती है? फोटोसिंथेसिस की, क्योंकि फोटोसिंथेसिस के द्वारा ही प्लांट्स अपना फूड को प्रिपेयर करते हैं। तो फोटोसिंथेसिस क्या है? एक वेरी इंपॉर्टेंट प्रोसेस है। आगे ये क्या है? एक साइकिल है। जैसे प्लांट्स, ये क्या है? प्लांट ये अपना भोजन किससे बनाता है? सूर्य की प्रकाश से। और फिर इस प्लांट्स को खाते हैं जो छोटे जीव होते हैं, जो प्लांट्स पर निर्भर करते हैं। और फिर इन जीवों को उनसे भी बड़े जीव खाते हैं जो जीवों पर निर्भर करते हैं। तो ये क्या है? एक साइकिल है जो जिसमें सभी एक दूसरे पर क्या है? निर्भर करते हैं। अब एड टू योर नॉलेज, लीव्स ऑल्सो लॉस वाटर थ्रू द स्टोमेटा। जो लीव्स होती हैं वो अपना जो जल है वो स्टोमेटा के द्वारा भी लॉस करती हैं। उनके जल की हानि जो है स्टोमेटा के द्वारा भी होती है। द लॉस ऑफ वाटर थ्रू स्टोमेटा इज टर्म्ड एज ट्रांसपीरेशन। स्टोमेटा के द्वारा होने वाली इस जल की हानि को हम क्या बोलते हैं? ट्रांसपीरेशन से हम ट्रांसपीरेशन भी बोलते हैं। व्हेन लीव्स लॉस वाटर ड्यूरिंग ट्रांसपीरेशन, मोर वाटर इज पुल्ड अपवार्ड फ्रॉम द रूट्स टू कंपेंसेट फॉर द वाटर लॉस। जब ट्रांसपीरेशन के द्वारा वाटर का लॉस होता है लीव्स में, तो क्या होता है? जो लीव्स की जो रूट्स हैं, जड़ें हैं, उनके द्वारा पानी जल ऊपर आ जाता है, खींच लिया जाता है लीव्स में, और जिससे जो वाटर लॉस है वो कम हो जाता है। दिस वाटर ब्रिंग्स अलोंग इम्पॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द रूट्स विच आर रिक्वायर्ड बाय द लीव। ये जो वाटर है ये रूट से अनेक इम्पॉर्टेंट महत्वपूर्ण न्यूट्रिएंट्स को लेकर आता है जो कि लीव के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट होती हैं, मतलब जो लीव के लिए ज़रूरी होती हैं। ओके, अब है बैलेंसिंग ऑफ एटमॉस्फेरिक कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन। एटमॉस्फेयर की जो कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन है उसमें बैलेंस, संतुलन उसका कैसे होता है? प्लांट्स एब्जॉर्ब कार्बन डाइऑक्साइड ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस एंड दस द अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन द एटमॉस्फेयर डज नॉट इंक्रीज टू मच। प्लांट जो होते हैं वो फोटोसिंथेसिस के टाइम पे क्या करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब कर लेते हैं। जो एटमॉस्फेयर में जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसको क्या करते हैं? वो एब्जॉर्ब कर लेते हैं, जिससे कि एटमॉस्फेयर में ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड का की मात्रा ना बढ़े, जिससे क्या होता है? एक बैलेंस बना रहता है कार्बन डाइऑक्साइड का हमारे एटमॉस्फेयर में। अगर अगर ये प्लांट्स जो हैं वो एब्जॉर्ब नहीं करेंगे कार्बन डाइऑक्साइड को, और जो जीव हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड क्या करते हैं? बाहर निकालते हैं, तो इससे क्या होगा? हमारे एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड की जो मात्रा है वो बहुत ज़्यादा हो जाएगी, जिससे क्या होगा? पूरा वातावरण जो है वो क्या हो जाएगा? अनबैलेंस्ड हो जाएगा। तो इसके लिए क्या है कि पेड़ पौधे जो हैं वो फोटोसिंथेसिस के टाइम पे क्या करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब कर लेते हैं, जिससे कि एटमॉस्फेयर में ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा नहीं बढ़ती है। फोटोसिंथेसिस एनरिचेस द एटमॉस्फेयर बाय सप्लाइंग ऑक्सीजन। और फोटोसिंथेसिस के द्वारा क्या होता है? जो ऑक्सीजन है वो एटमॉस्फेयर को
दे दी जाती है। क्या होता है फोटोसिंथेसिस की क्रिया में, क्या होता है? कार्बन डाइऑक्साइड जो होती है वो और वाटर दोनों क्या होता है फोटोसिंथेसिस के द्वारा ग्लूकोज में एंड ऑक्सीजन में चेंज हो जाते हैं। तो फोटोसिंथेसिस क्या होती है, वो एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन को सप्लाई करती है, ऑक्सीजन की मात्रा को बढ़ाती है। दिस ऑक्सीजन इज यूज्ड बाई ऑल लिविंग बींग्स फॉर रेस्पायरेशन, और इस ऑक्सीजन का यूज सभी जीवित जीव जो है वो रेस्पायरेशन के टाइम पे, श्वसन के टाइम पर यूज कर लेते हैं। ओके, नो द फैक्ट द एटमोसफेयर कंटेन्स वेरी लिटल कार्बन डाइऑक्साइड। एटमोसफेयर जो है उसमें बहुत कम कार्बन डाइऑक्साइड की ज़रूरत होती है। प्लांट्स गेट मोस्ट ऑफ इट फ्रॉम एनिमल्स एंड ह्यूमंस हु ब्रेथ इट आउट। प्लांट्स जो होते हैं वो क्या करते हैं, जो एनिमल्स एंड ह्यूमंस होते हैं जो ब्रेथ के टाइम पर क्या कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालते हैं, प्लांट्स उस कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण कर लेते हैं। स्टोरेज ऑफ फूड, फूड का स्टोर कैसे होता है? एक्सेस फूड मेड बाय द प्लांट्स सून चेंज से इनटू स्टार्च। जो एक्सेस फूड है वो प्लांट्स क्या करते हैं, उसको चेंज कर देते हैं स्टार्च में। एक्सेस फूड जितना भी होता है वो प्लांट्स जल्द ही स्टार्च में चेंज कर देते हैं। स्टार्च एदर स्टोर्ड इन द लीव्स और इट इज कैरीड टू द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द प्लांट्स लाइक रूट्स, स्टेम्स, फ्रूट्स एंड सीड्स। और ये स्टार्च जो है वो प्लांट्स की जो लीव्स होती हैं उनमें स्टोर रहता है। और फिर जो प्लांट्स के जो अदर पार्ट्स होते हैं, जैसे कि रूट्स हैं, स्टेम्स हैं, फ्रूट्स हैं एंड सीड्स हैं, इनमें क्या होता है, इनको दे दिया जाता है, स्टार्च जो है इनमें ग्रहण कर लिया जाता है। एनिमल्स एंड ह्यूमंस यूजुअली ईट दीज पार्ट्स ऑफ एज दे हैव फूड इन देम। एनिमल्स और ह्यूमंस क्या करते हैं, इन पार्ट्स को जिनमें स्टार्च स्टोर रहता है, इन पार्ट्स को फूड के रूप में खा लेते हैं। कैरट, रेडिस एंड टर्निप आर रूट्स विच स्टोर फूड। कैरट, गाजर, मूली और सलजम, ये क्या है, ऐसी जड़ें हैं जो फूड को स्टोर करके रखती हैं। मतलब इसमें, इनमें स्टार्च जो है वो स्टोर रहता है। तो ये क्या है, फूड के रूप में हम इन्हें खा सकते हैं, खाते हैं ना। सुगर कैन एंड लोटस स्टेम, कमल ककड़ी आर द स्टेम्स इन विच फूड इज स्टोर। सुगर कैन गन्ना जो होता है और लोटस स्टेम कमल ककड़ी जो होती है, वो क्या होता है कि ये एक ऐसे स्टेम्स हैं, तने हैं जो फूड को स्टोर करके रखते हैं। फेनग्रीक, मेथी, स्पिनेच, पालक, कोरिएंडर, धनिया, मिंट एंड कैबेज आर सम एडिबल लीव्स। ये क्या होती है कि फेनग्रीक है, कोरिएंडर है, स्पिनेच है, कैबेज है, मिंट है, ये क्या है, खाने योग्य पत्तियां हैं, इन्हें हम खा सकते हैं। अब द फ्लैसी पार्ट ऑफ वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स इज द फूड स्टोर्ड बाई प्लांट्स एंड दैट वी ईट। जो वेजिटेबल्स और फ्रूट्स का गूदादार जो पार्ट होता है, जिसे फ्लैसी पार्ट बोलते हैं, वो क्या होता है, फूड को स्टोर करके रखता है अपने अंदर। मतलब उसमें स्टार्च स्टोर रहता है जिसे हम खा सकते हैं। द सीड्स ऑफ कर्टेन प्लांट्स आर ईटन एज
सीरियल पल्सेस स्पाइसेस ईटीसी। अब कुछ प्लांट्स ऐसे भी होते हैं जिनके बीजों को, जैसे कि जिनके बीजों को हम दाल, मसाले, इन सब के रूप में हम खा सकते हैं। द एनर्जी फ्रॉम प्लांट्स फ्लोज द ह्यूमन एंड एनिमल्स। एनर्जी, ऊर्जा जो है वो प्लांट्स से ह्यूमंस एंड एनिमल्स में फ्लो करती है, ह्यूमन एंड एनिमल्स में जाती है। दिस फ्लो ऑफ एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ फूड इज कॉल्ड फूड चेन। इस तरह एनर्जी का प्लांट्स से ह्यूमंस एंड एनिमल्स में जाना फूड के रूप में क्या कहलाता है? फूड चेन कहलाता है। इसे हम क्या बोलते हैं? फूड चेन। फूड चेन इज अ सीरीज इन विच ईच टाइप ऑफ क्रिएचर फीड्स ऑन द वन बिलो इट। फूड चेन क्या है? एक श्रृंखला है जिसके द्वारा सभी जो प्राणी हैं वो एक दूसरे पर क्या रहते हैं? आश्रित रहते हैं, एक दूसरे से खाने के लिए आश्रित रहते हैं। जैसे ये क्या है? सन। और ये है ग्रीन प्लांट्स। ग्रीन प्लांट्स जो होते हैं वो अपना भोजन सूर्य से प्राप्त करते हैं, वो अपनी एनर्जी क्या है? सन लाइट से प्राप्त करते हैं। और फिर ये क्या है? एनिमल्स। ये वाले एनिमल्स जो होते हैं ये अपना जो एनर्जी है, अपना जो फूड है वो ग्रीन प्लांट से प्राप्त करते हैं। और फिर ये इनसे बड़े जो एनिमल्स होते हैं ये अपना भोजन इन एनिमल्स को खा कर प्राप्त करते हैं। तो ये क्या है? एक फूड चेन जिसमें क्या है? सभी एक दूसरे पर आश्रित रहते हैं। ओके स्टूडेंट्स।